नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंध में स्वतंत्रता स्थापित कर ली और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह पंजाब पर भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। ताजुद्दीन युदूस जो गजनी पर अधिकार किए था, अब भी मोहम्मद के भारतीय प्रदेशों पर प्रभुता का अपना पुराना दावा किया बैठा था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया। न्याय के लिए सिंहों के गले में घंटी बंधवाई गई। नागौर में मस्जिद एवं विशाल उत्कीर्ण का दरवाजा बनाया। दिल्ली में शमसी हौज एवं नसीरुद्दीन महमूद का गढ़ी का मकबरा बनवाया, जो भारत का पहला मकबरा माना जाता है। वकात नासिरी के लेखक मिनहाज इस काल का प्रमुख विद्वान था। प्रशासन में मदद के लिए तुर्कान चिलगानी नामक दल का गठन किया गया। सल्तनत काल में वांशुगत व्यवस्था चलाने का श्रेय एवं उत्तराधिकारी घोषित करने की परंपरा मिस्र से चालू की गई थी। वास्तव में इस काल में उत्तराधिकार की कोई निश्चित परंपरा नहीं थी। इल्तुतमिश अपने प्रिय पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी ग्वालियर अभियान से लौटने के बाद घोषित कर दिया।